लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज? हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने सोकोस किया है। उन्हें 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखने और वोट नहीं देने को लेकर पार्टी ने तलब किया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की साइन से लेटर जारी किया गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर लगातार बवाल मचा है। पार्टी और मालीवाल के बीच अब वार पलटवार भी जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद मालीवाल ने अब पार्टी के नेताओं पर झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बीजेपी ज्वाइन की। भगदड़ के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। एमपी में 4 महीनों तक कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सभी बड़े नेता वर्कर्स के साथ मंथन करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इसकी घोषणा की। हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। देश में मेडिकल असिस्टेंस देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा कि हादसे में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद विदेश मंत्री हुसैन अमीरा दुल्लाहियन की भी मौत की जानकारी दी गई है। इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला था। इसमें राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शोपिया और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को 18 मई की रात 1 घंटे के भीतर 2 जगह आतंकी हमले हुए थे। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोली केजरीवाल, कहा घटना मेरे सामने नहीं हुई, कल पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वाति मालीवाल और अपने पीए विभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार बयान दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मामले के 2 पहलू हैं, पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते।
निज्जर हत्याकांड का भी किया जिक्र। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाया। अकरम ने वैश्विक मंच पर शायद पहली बार स्वीकार किया कि नया भारत एक खतरनाक इकाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नया भारत आपके घर में आता है और आपको मार डालता है। नए भारत ने पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने पहली बार ये स्वीकारा कि नया भारत एक खतरनाक इकाई है। एक विशाल परियोजना गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर तक फैला एक 6 लेन वाला केबल ब्रिज शहर की कनेक्टिविटी में क्रांति लाने और इसके लिए अपार संभावनाओं को खोलने के लिए तैयार है। भविष्य के लिए एक पुल, कनेक्टिविटी को फिर से परिभाषित करना लगभग 1948 करोड़ की अनुमानित लागत वाला यह विशाल पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, यह महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतगणना राउंड टेबल व्यवस्था का इंस्पेक्शन 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए मतगणना दलों को ट्रेनिंग देने के साथ मतगणना एजेंट्स को भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के आधार पर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी अपने दफ्तर के अफसरों के साथ अलग अलग जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म होने के बाद अब दिल्ली में लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राजधानी भोपाल से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कुणाल चौहान की सगाई हो गई है। इस कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया था। कुणाल चौहान दूध का बिजनेस चलाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल चौहान की सगाई भोपाल के जैन परिवार इंदरमल जैन की पोती से हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला पलटने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर कई विधायकों ने सीएम मोहन यादव से गुहार भी लगाई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला पलटने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर कई विधायकों ने सीएम मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। विधायकों ने सीएम मोहन से दोबारा सीपीए लागू करने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि जिस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल 2022 में बंद कर चुके हैं, उस योजना को सीएम मोहन यादव दोबारा चालू करेंगे। हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई, वे हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। चौधरी बंसीलाल से मेरी बहुत निकटता थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी कि हम रात में 1-1 बजे तक बातें किया करते थे। जब भी बातों में स्वामी दयानंद जी का नाम आता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा से आंसू न टपके हों। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए फरार भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जो अब आगे बढ़ा दी गई है।
नई तारीख 29 मई तय की है। इधर एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है। दरअसल 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। राजमाता के अस्थि कलश का प्रजवासियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अस्थि कलश का विधि विधान से पूजन करवा शिप्रा में विसर्जित किया गया। यहां से राजमाता की अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई, जो शहर के देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, फवारा चौक, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए शिप्रा तट पर पहुंची। अस्थि कलश यात्रा का जगह जगह नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं ने मंच बनाकर पुष्प वर्षा की। वीडियो में नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी वही है जो पहले एक अन्य वीडियो में स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। बाहर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस अधिकारियों से बात करती हुई भी नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का 13 मई की सुबह का वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल घर के मेन गेट के बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें एक महिला सुरक्षा कर्मी ने पकड़ रखा है और बाहर की ओर ले जाती हुई भी नजर आ रही हैं। वीडियो को देखते हुए पहली नजर में स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अमेठी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री कहती हैं बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती हैं, हूँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक नहीं क्या मोदी ने, हम कीचड़ पर जलकर जाते हैं, हूँ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी प्रचार के लिए तेलोई विधानसभा में कार्यक्रम करने पहुंची थी। यह वीडियो शुक्रवार की देर रात का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भले ही चारों फेजेस में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन देश में कई जगहों पर अभी भी मतदान का सिलसिला, लोकसभा चुनावों की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला भी चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आजकल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को काफी याद कर रहे हैं। टेहरी में शनिवार को एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की निर्दलीय उम्मीदवारी को लालू यादव की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव जो भी उनके खिलाफ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनकी साजिश को लोग समझ रहे हैं कि इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू पहले भी उनके रास्ते में कांटा बोते रहे हैं, आगे भी बोते रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में बवाल हो गया। राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की, पुलिस ने लाठी चलाई तो वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए, कई चोटिल हो गए। हालात यह हुआ कि मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों को शांत रहने की अपील की, लेकिन समर्थकों ने उनकी एक नहीं सुनी। करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी हाथ उठाकर लोगों से शांत रहने की अपील की।
विभव की गिरफ्तारी के बाद मालीवाल ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ और लाते मारी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए दिल्ली पुलिस आज विभव को सीएम हाउस ले जा सकती है। पुलिस 17 मई को स्वाति मालीवाल को सीन रिक्रिएशन के लिए ले गई थी। मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव ने 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की, उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर FIR करवाई थी। दस मशीनों से नोट गिने गए। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ये नोट बेड, गद्दों और अलमारी में छिपाकर रखे थे, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों की गड्डियां रखी हैं, जमीन पर रखे बेड भी नोट से भरे हैं। इनकम टैक्स टीम हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर और ऑफिस पहुंची। सर्च किया तो उनके घर में बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ 369 सीटों पर अभी तक चुनाव हो चुका है। 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को चुनाव के बाद दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है, वहीं अन्य जगहों पर हाफ हो चुकी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन के साथियों को स्पष्ट और साफ जनादेश मिल जाएगा। पीएम के भाव और बोलचाल में परिवर्तन। लाख सरकारी नौकरियों पर संकट, ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, क्या आपकी नौकरी भी जाएगी? जाने कलकत्ता हाई कोर्ट के चौंकाने वाले फैसले की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा मुद्दा सुर्खियों में है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले ने राज्य की राजनीति और सामाजिक ताना बाना दोनों को ही हिलाकर रख दिया है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए लगभग 5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। आलू के प्रमुख उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में रवि सीजन की आलू कटाई के समय जनवरी फरवरी में बेमौसम बारिश से फसल पर बुरा असर पड़ा है, जिससे उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। ये स्थिति भी कीमतों को ऊपर ले जाने का कारण बनी है। आलू की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। लगातार थोक कीमतों में उछाल से परेशानी बढ़ी है। 1 अप्रैल से 20 मई तक आलू की थोक कीमतों में 25% का उछाल दर्ज किया गया है। अंग्रेजी भाषा जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम करती है, भारत में एक तेजी से विकसित होता हुआ बाजार है। रिपोर्टों के अनुसार अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण यानी ELT उद्योग 2022 में $72.5 अरब के मूल्य का था और 2030 तक $129.3 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि 2023 से 2030 के बीच भारत में अंग्रेजी सीखने का बाजार हर साल औसतन 7.8% की दर से बढ़ेगा। अडानी एंटरप्राइजेज में 6% से ज्यादा की तेजी। शेयर मार्केट आज यानी गुरुवार 23 मई को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 77,320 का ऑल टाइम हाई बनाया है, वहीं निफ्टी ने 22,935 का लेवल छुआ। अडानी एंटरप्राइजेज में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को कोरोना संकट से हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए आरंभ किया गया था। अब तक आत्मनिर्भर भारत की 2 फेज लॉन्च हो चुकी हैं। अब सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की 3री फेज लॉन्च की गई है, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जाएगा। 3री फेज के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत नौकरी से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से ISI के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ATS से मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। गुजरात विकास सहाय ने बताया कि 4 आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिज, मोहम्मद राजीन रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। 4 किस मकसद से अहमदाबाद आए थे और किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी जांच की जा रही है। आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, अवकाश यात्रा भत्ता या LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है। लीव ट्रैवल अलाउंस हवाई, ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा के लिए किए गए खर्चों को कवर करता है, लेकिन रीएम्बर्समेंट असल में खर्च की गई राशि या नियोक्ता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार होती है। LTA नियम कई लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं। अक्षय कांति बन के पार्टी छोड़ने के बाद इंदौर में कांग्रेस की नई रणनीति, बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किल। अक्षय कांति बन का प्रकरण के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने के बजाय नोटा को लेकर लगातार अभियान चला रही है।